हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित पाठ एक वास्तविक संख्या, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 का सोल्यूशन कराएंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन देखा था, यानी हमने यह देखा था कि एक्सरसाइज 1.4 में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर जाएँ, उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो को देखने का फ़ायदा यह है कि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो यहाँ पर जो हम सोल्यूशन कराएंगे एक्सरसाइज 1.4 का, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला, यानी एक्सरसाइज 1.4 का सोल्यूशन में सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है। तो देखते हैं ध्यान से, देखिए पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि आपको बिना भाग दिए ही, आपको बिना भाग दिए ही बताना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। अगर आप भाग दोगे तो बता ही सकते हो कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। लेकिन आपको बिना भाग दे के बताना है, तो कैसे करेंगे ध्यान समझिए। मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे बताना है कि अशांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत बेसिक से चलना है। आपको अगर पता करना हो 13/3125, तो आप क्या करेंगे 3125 का लसा ले लेंगे, यानी जो हर होगा ना, जो हर होगा उसका क्या कर लेंगे, लसा ले लेंगे। हर का लसा लीजिए, 3125 का क्या लीजिए, आप लसा लीजिए। तो ध्यान से देखते हैं, बताइए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं तो 5 × 2 = 7, 8 × 3 = 11, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो 5 × 6 = 30, 1 बचा, ठीक है। और यहाँ से कितना उतर गया, 2 उतर गया, तो 5 × 2 = 10, 2 बचा और 5 × 5 = 25। अब यहाँ से फिर 5 से कटेगा, 5 × 1 = 5, यहाँ से कितना बचा, 1 बचा, 2 हो गया तो 12 हो गया, तो 5 × 2 = 10, फिर यहाँ से 2 बचा और 25 हो गया, 5 × 5 = 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 2 बचा, यहाँ से 25 हो गया, 5 × 5 = 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 5, यानी जो इसका गुणनखंड आया 3125 का वो क्या आया है भैया, वो गुणनखंड जो आया है ध्यान से देखिए, तो गुणनखंड आया है 5 × 5 × 5 × 5 आया है ना, 5 × 5 आया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कट 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 की पावर कितना है, 5, क्योंकि 5 × 5 है ना, तो 5 की पावर कितना, 5, क्योंकि 5 कितने बार है, 1, 2, 3, 4, 5 बार है। तो इसको लिख सकते हो आप 5 की पावर 5, किसको, 3125 को। तो ध्यान से देखिए, तो जो हर है वो 5 के पावर में कुछ आ गया है, तो जब भी अगर 5 के पावर में कुछ आ जाएगा, जब भी 5 के पावर में कुछ आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हर का आप करते हो गुणनखंड, अगर हर का आप करते हो गुणनखंड, और जो गुणनखंड आएगा वह अगर 2 के पावर में कुछ आ जा रहा है, यानी 2 के पावर m के रूप का है, मतलब कि 2 के पावर कुछ आ रहा है, या 5 के पावर कुछ आ रहा है, यानी 5 के पावर में कुछ आ रहा है, या 2 के पावर m × 5 के पावर n दोनों के पावर में आ रहा है, तब इन 3 केसेस में वह जो दशमलव प्रसार होगा उसका क्या होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भैया, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि यह इसका जो हर है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 के पावर का दिख रहा है, इसलिए क्या है, यह शांत है। मुझे लगता है आपको यह समझ में आया होगा, अगर आपको यह समझ में आया है तो आराम से इसको उतारिए, बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आराम से उतारिए इसको, चलिए देखते हैं पहला का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 17/8। तो हमें पता करना है कि इसका जो प्रसार होगा वह शांत होगा कि अशांत होगा। तो कैसे पता करेंगे, जो इसका हर है उसका कर देंगे हम गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब इसका ले लेंगे हम 8 का लसा, तो 8 का हम क्या करेंगे, लसा लेंगे, तो 8 का लीजिए आप लसा, तो 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, यानी जो आपने 8 का लसा लिया है, जो आपने 8 का मतलब हर का लसा लिया है, वह जो लसा आ रहा है कितना आ रहा है, 2 × 2 × 2, यानी इस 8 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 3। तो एक बात बताइए, ये 2 के पावर कुछ है ना,
या किस में है, दो के पावर में है। तो अगर दो के पावर में कुछ रहेगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहीं पर, कि अगर दो के पावर m रहेगा या पाँच के पावर n रहेगा या दो के पावर m इंटू पाँच के पावर n दोनों रहेगा, इन तीनों केस में प्रसार कैसा होगा, शांत, और बाकी सभी केसेस में प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक, तो कैसा आ रहा है बताइए, जो हर का जो गुणनखंड है, जो हर का गुणनखंड कैसा है, दो के पावर में कुछ है ना, तो दो के पावर में अगर कुछ रहेगा तो प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, यानी कि इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसका प्रसार कैसा होगा भैया, शांत होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको आराम से क्या करिए, उठारिए। तो चलिए, हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं। 1.4 का पहला ही क्वेश्चन है, बताना है इन सभी प्रश्नों में क्या करना है, इन सभी में बताना है कि इनके जो प्रसार होंगे शांत होंगे या शांत आवर्ती होंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा सवाल है 64/455। तीसरा क्या है, 64/455, इसको बताना है कि शांत है कि अशांत आवर्ती। तो क्या करेंगे हम, 455 का जो हर होगा उसका लेंगे लस। हर का क्या करेंगे भैया, हर का हम लोग लेंगे लस। कितने से कटेगा, पाँच से कटेगा, 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5। अब कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 × 7 = 7, 2 × 5 = 21 हुआ, 7 × 3 = 21, 13 से कटेगा, 13 × 13 = 13। यानी कि जो हर था हमारा कितना है, हर हमारा था 455, हर कितना था 455। और यहाँ पर लिखते हैं इसको, जो हमारा हर 455 था उसका जो लस आया है वो 5 × 7 × 13 आया है। यानी कि इसको अगर हम गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल रहे हैं तो आ रहा है 5 × 7 × 13। इसका मतलब बताइए हमारे लिए क्या जरूरी है, या तो दो के पावर में हो या तो पाँच के पावर में हो, आ तो दोनों के पावर में है। यहाँ तो 5 भी आ गया है, 7 भी आ गया, 13 भी आ गया है, तो यह बताइए शांत होगा या नहीं शांत होगा, या क्या हो जाएगा, इसका प्रसार क्या होगा, अशांत, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसका प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, चौथा ले रहे हैं। चौथा क्या है, 15/1600। क्या है, 15/1600। क्या करेंगे हम लोग, 1600 का लेंगे लस। 1600 क्या करेंगे, लस लेंगे। 2 से कटेगा, 2 × 8 = 16, 2 × 0 = 0, 2 × 0 = 0, 2 × 4 = 8, 2 × 0 = 0, 2 × 0 = 0। 2 से कटेगा, 2 × 2 = 4 = 0, 2 से कटेगा 100, 2 से कटेगा 50, 2 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1। अब देखते हैं इसका, यानी जो 1600 था, जो 1600 था भैया, उसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, यानी कितना, 2 है, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 5 है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 तुम्हारा 6 है तो लिख सकते हैं 2 × 6, 5 तुम्हारा 2 है तो लिख देंगे 5 × 2। तो बताइए इसका प्रसार शांत होगा कि अशांतावर्ती। तो यह 2 × 6 और 5 × 2 के रूप का है ना, यानी इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 × 5 रहेगा तो शांत होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उतार लीजिए इसको आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा है, पांचवा क्वेश्चन है 29/343। 29/343 क्या करेंगे हम लोग, 343 का लेंगे लस। तो 343 का लीजिए लस आप, कितने से कटेगा, ये मुझे लगता है 7 से काटे, देखिए कटता है क्या, 7 × 4 = 28, 7 से काटिए, 7 × 4 = 28, कितना बचा, 6 बचा, और यहाँ से 63 हुआ है ना, तो 7 × 9 = 63, 49, फिर 7 से काटिए, 7 × 7 = 49, 7 से काटिए 1। तो यानी कि इस बार जो 343 है, जो 343 है उसको आप लिख सकते हो 7 × 7 × 7, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7³। क्या लिख सकते हो, 7³। ये बताइए 7 का है ना, ये अगर 7 का है मतलब कि जो हमारा रूल है उसके खिलाफ है। हमारा रूल क्या है, शांत होने के लिए रूल है 2 के पावर m,
या 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n 2 दोनों हो जाए, तो इन तीन केस को छोड़ के दूसरा कोई है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आराम से इसको उतारिए, मिटाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, छठा क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है देखिए, 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2, इस बार आपको लसा लेने की जरूरत ही नहीं है, इस बार आपको लसा लेने की जरूरत ही नहीं है, या खुद इसको गुणनखंड के रूप में बांट के दिया है, यानी गुणनखंड के रूप में पहले से व्यक्त कर दिया है, तो क्या है बताइए, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, बताइए इससे मिल रहा है क्या, देखिए 2 के पावर का कुछ है और 5 के पावर कुछ का है, तो है ना, ये 2 और 5 के पावर का है, तो बताइए शांत होगा कि नहीं, ये बिल्कुल क्या होगा शांत होगा, या क्या होगा शांत होगा। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन यहीं पर हम देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो ध्यान से रखिए, इसको भी आपको लसन नहीं लेना है, यह भी पहले से व्यक्त कर रखा है, तो ध्यान से देखिए, जो हर है वह 2 के पावर और 5 के पावर तो सही है, 2 के पावर और 5 के पावर तो सही है, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई है, यहाँ पर 7 के पावर भी आ गया है। ठीक है ना, 2 के पावर भी ठीक है, 5 के पावर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हुआ है कि 7 के पावर भी आ गया है, तो बताइए 7 के पावर भी आ गया है, इसका मतलब इसका प्रसार क्या होगा, अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, शांत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शांत के लिए या तो 2 के पावर या तो 5 के पावर या तो इन दोनों के पावर, इसको छोड़ के कोई दूसरा होना नहीं चाहिए दोस्तों, आराम से उतारिए, बढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन और बचे हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर लेते हैं और मिटाइए आप लोग। चलिए आगे आपके 1.4 का जो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, उसके 3 क्वेश्चन और बचे हैं और यहाँ पर समाप्त हो जाएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 8वां क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 8वां क्वेश्चन लेते हैं, यह है 6/15, क्या है 6/15। सबसे पहले काम करिए आप, इसको 3 से काट लीजिए, 3 × 6 3 × 5 = 15, तो हमारा आ गया कितना 2/5। बताइए जो हर है उस हर में 5 है ना, 5 है मतलब 5 के पावर कितना 1 है, तो 5 के पावर अगर कुछ है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये क्या होगा शांत होगा, इसका मतलब ये क्या होगा शांत होगा, क्यों शांत होगा, क्योंकि यह 5 के पावर में कुछ है। ठीक है, मुझे लगता है आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि 9वां है, 9वां क्या है 35/50, 35/50 अगर कटने लायक है तो पहले आप काट सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपका 9वां क्वेश्चन क्या है 35/50, सबसे पहले आप इसको काट लीजिए, 5 × 7 = 35, 5 × 10 = 50। अब देखिए आप क्या करेंगे, जो नीचे बचा है 10 उसका लेंगे लस, 10 का लीजिए लस, ये तो बहुत आसान है, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, यानी जो 10 का लस आया है वो आया है 2 × 5, यानी जब हमने 10 को इसके गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करा, तो 2 और 5 आया। अब बताइए ये 2 के पावर 1 है, ये 5 के पावर 1 है, यानी यह 2 और 5 के रूप का है ना, 2 के पावर या 5 के पावर के रूप का है, तो यह क्या होगा भैया, यह शांत होगा, यह क्या होगा शांत होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 10वां क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या है भैया, 77/210, यहीं पर कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है 77/210। क्या करेंगे आप 210 का क्या करेंगे, लसा लेंगे, 210 का लसा लीजिए, 2 से काटिए, 2 × 1 = 2, 1 और 0 दोनों उतारेंगे, तो 2 × 5 = 10, 3 से काटिए, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 से काटिए, 5 × 7 = 35 और 7 से काटिए, 7 × 1 = 7, यानी अगर आप 210 को लिखना चाहो इसके गुणनखंडों के रूप में, तो लिखोगे 2 × 3 × 5 × 7, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 और 7 आ गया है, जिससे ठीक नहीं है, यानी अगर शांत होना है तो 2 और 5 ही रहना चाहिए और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 और 7 भी आ जा रहा है, इसलिए इसका जो प्रसार होगा भैया
इसका जो प्रसार होगा वह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसका जो प्रसार होगा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहीं पर दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट को कवर कर दिया, तो यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट को यह फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।